بسم الله الرحمن الرحيم. इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जमी से खोतों का क्या हाल हो गया खरीद के लेके आया। ये देखिए गाड़ी देखने जा रहे हैं हम। अब देखते हैं कमरा, ये जो कमरा पसंद नहीं आया तो बड़ा जबरदस्त है, तीन बेड है यहाँ पे। दूसरा होटल देखने जा रहे हैं। ले जी एक और होटल के अंदर आया है। हमने 2000 रुपये में दो रूम ले लिए। अब हमने यहाँ पे सिर्फ गुजारे करने से हमें हमारे क्या डिसाइड होता खाने के लिए। रूम अच्छा ऐड किया है जी सबने। चले अलहमदुल्ला हमारा डिनर आ चुका है। यहाँ चपले कबाब होते हैं, खाए शाये पीने लगे हैं, नूडल्स खाने, चिकन वाले। ये देखें बहुत मीठी मीठी कुर्बानी। ये देखे येलो कुदर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी जहां से हमने पहले पेट्रोल डलवाया था। टोटल से वो आगे हमने अब डलवाया जी पेट्रोल अटक से, खंजरा से हम आगे। हमारा पेट्रोल वेस्ट हुआ है कितना लीटर पे है, यानी कि 2800 रुपये का हमारा, 2870 रुपये का, 2870 रुपये का हमारा पेट्रोल जी यहाँ से आने जाने के लिए। तो भाई जान बोल रहे हैं कि यहाँ पे होटलिंग सस्ती है, आज हम स्टे करेंगे यहाँ पे खंजराब से। हम वापसी स्टे करने लगे इस जगह पे, ये नज़दीक जगह सबसे, इससे आगे फिर दूर तक होटलिंग नहीं है। देख रहे हैं इधर कितना खूबसूरत मंजर है, छोटा सा बाजार है, होटलिंग है, खाने पीने की चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। अब वो दोस्त गए ज़रा, अब वो आते हैं फिर डिसाइड करते हैं फिर क्या खाना पीना है। खाने के लिए डिसाइड हो रहा है जी। देखे जी क्या पसंद आता है जिन्हें खाने के लिए। गर्मी से खोतों का क्या हाल हो गया, खाने के लिए डिसाइड करने जा रहे हैं जी क्या खाएं। अब देखते हैं क्या खाने को मिलता है हमें यहाँ पे। बाजार तो छोटा सा ही है, देखते हैं कोई अच्छी चीज मिलेगी खाएंगे। रात को फिर यहीं पे अपना पड़ाव करेंगे, बस सुबह निकलेंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। काश आप भी दिखने वाले भी यहाँ पे होते, रियल अपनी आंखों से देख सकते, बहुत मज़ा आता आपको भी। लगता है यहाँ पे एक आदमी वाक या खरीद के लेके आया। ये देखिए गाड़ी के अंदर या खरीदा, सुबह हकीका हुआ तेरा, या खरीद के लेके ले लेके जा रहा है। कितने का लिया ये भाई? जी हम एक होटल के अंदर आए हैं। अब कमरा देखने जा रहे हैं हम। अब देखते हैं कमरा कौन सा हमें मिलता है। ओ जी ये कमरा है जी, दो बेड हैं, ये क्लीन है। ये जी दूसरा कमरा, दो दो बेड है, एक वॉशरूम कंबोर्ड है। और ये भी दो कमरा पसंद नहीं आया लड़कों को, देखते हैं अब कोई और जगह पे बाहर जाके किसी और होटल में देखते हैं हम जाके ना। एक और होटल में आया जी, देखते हैं यहाँ पर कौन सा होटल मिलता है। ये तो ऊपर है, व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखते हैं जी क्या कहते हैं ये जी। और यहाँ से व्यू देखें होटल के ऊपर से, सुभान अल्लाह।
एक नहीं देंगे, एक नहीं देंगे, देखने तीन बेड है यहाँ पे। नहीं जी यहाँ भी बात नहीं बनी, अब कोई दूसरा होटल देखने जा रहे हैं, यहाँ भी बात नहीं बनी। ले जी एक और होटल के अंदर आया बा है, देखिए अभी होटल रूम दिखाता है, उससे बात बनती है कि नहीं बनती है बात। जी लाइट बंद हो गई है, अभी तीन बेड हैं, एक वॉशरूम है, यहाँ मैट्रेस मिल जाएंगे, और ये वॉशरूम है, एक दूसरा रूम है जी, ये भी तीन बेड है, सही ले जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अभी रूम देखे हैं दो, ये डिसाइड हो गया, 3000 रुपये मारा है दो रूम का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2000 रुपये में दो रूम ले लिए हैं। अब मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ अपनी, फिर हम आराम करेंगे नमाज ज़ोहर मगरिब इशा की इकट्ठी पढ़ लेंगे, क्योंकि सफ़र में हमें, तो फिर हम अब खाना खुना भी यहीं से खा लेंगे, फिर आराम करेंगे, सुबह सुबह निकलेंगे। ये रूम है सामने, बिल्कुल बहुत अच्छा रूम है, मिला हमें गुजारा ही करना है, और हमने यहाँ पे सिर्फ गुजारा ही करना है, इसलिए ये रूम हमारे लिए ना बहुत अच्छा है, हमने सिर्फ गुजारा करना है, गुजारे लिए बहुत अच्छा, सिर्फ सोना है, सुबह सुबह हमने नमाज पढ़ के अपने सफ़र का गाय फिर दोबारा शुरू कर देना है। आप रूम में आके लेटे तो कुछ सुकून मिला हमें, हमारे रूम की हालत देखिए आप कैसे लेटे हैं आप। ये हमारे मुंशी साहब हैं, कैशियर, थके हुए बहुत थक गए हम, सिर में भी दर्द होने लग गया है। अब थोड़ी देर में हम बाहर निकलेंगे नमाज इशा मगरिब की, पढ़ लें नमाज, फिर खाना खुना खाएंगे, फिर आगे आराम सुकून से लेट जाएंगे। बहुत सस्ते होटल मिले हमें यहाँ पे, 2000 रुपये में दो कमरे लिए, इसी तरह आएंगे हमने, अब खाना खाएंगे फिर आपसे बात करते हैं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, अब देखते हैं क्या डिसाइड होता है खाने के लिए। रूम अच्छे मिल गया हमें 2000 रुपये में, सस्ते ही, और अब देखते हैं खाना कितना सस्ता मिलता हमें, क्योंकि अभी हमने हिसाब लगाया, हमें हमारे पास पूरा बजट है, हमने स्कर्जो शंगरीला झील कैंसिल कर दी है, अब हम जाएंगे नारान, और इंशाल्लाह ताला अब जाएंगे, अब हम नारान का जो झील सैफुल मुलूक है वो घूमेंगे। ले जी सारे होटल फिर के हमने ये डिसाइड किया जी सबने के चपली कबाब खाया जाए, तो इस टाइम वही हमें सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, नहीं तो 250, 300, 350, 450 की प्लेट है एक, तो इसलिए हमने ना डिसाइड किया यही अब चीज़ें खाएंगे, चपली कबाब खाने लगे। अब ऑर्डर दिया हमने, थोड़ी देर में चपली कबाब आने वाला है हमारे लिए। देखें रेस्टोरेंट जिसमें हम खाने बैठ रहे हैं, ये सारे बैठ गए दोस्त आगे सारे, और ये जी क्यों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर आ चुका है, चपली कबाब है, रोटी है, रायता वगैरह, अब हम मजे मजे से खाएंगे, फिर बाद में खा के आपसे बात करते हैं बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया, डिनर कर लिया, बिल देने की बारी आ गई है, यहाँ चपली कबाब होते हैं खान भाई के, तो ये हमारे मुंशी साहब जो के बिल अदा करने में लगे, और सारे हम खाना खुना खा के देखें ये चहल पाएगा, थोड़ा सी वॉक करेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर जाके अपने कमरों में सो जाएंगे। हमें खाना बहुत ही अच्छा लगा, चपली कबाब बहुत मज़ेदार बनाए थे, और साथ रायता भी था, गरम गरम रोटी थी, बहुत मज़ा आया हमें खा के, बिल हमारा 2000 रुपया बना यहाँ भी, और बहुत मज़ा आ रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा सान, अल्लाह ने हमें अपनी नींद का दीदार कराया जी। खाना खाने के बाद अब बारी है चाय शाय की, अब चाय शाय पीने लगे हैं, चाय ऑर्डर कर दी है, ये चाय आ भी चुकी है हमारी, चाय आ चुकी है, अब चाय शाय पियेंगे, फिर अब नमाज पढ़ के फिर सो जाएंगे होटल में जा, नींद बहुत आ रही है। इन्होंने जो चाय वगैरह पी ली थी, मगर ये मैंने चैनी भी नहीं, मैंने यहाँ पे नूडल्स खाने चिकन वाले, ये देखे ये चिकन वाले नूडल्स मंगाए हमने, मैंने और बाजू के खाने, बाकी इन्हों के दो के तो पेट फुल है जी। ये नूडल्स हैं जो अब हम खाने लगे हैं जी, यहाँ पे चिकन नूडल्स आएंगे, 350 की प्लेट है, क्योंकि मैं पूरा अमन आल नूडल्स ही आने बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा स्पाइसी ओके ओके जोरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल वकास इन जापान, अब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, हमारे सारे फ्रेंड बाहर जा चुके हैं, बस मैं ही अकेला रह गया था। ये हमने अपना रूम चेकआउट कर दिया, ये हमारा रूम था, ये तीन बेड लगे हुए यहाँ पे, 1 2 3 ठीक है,
ये साथ ही में वॉशरूम मिला था, अच्छा था, साफ सुथरा। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की जानिब, जाएंगे हंजा, हंजा से करेंगे हम नाश्ता, उसके बाद फिर हम गाड़ी डाल देंगे गिलगित, गिलगित से फिर हम जाएंगे चलास, चलास से हम जाएंगे बाबरसा टॉप, बाबरसा टॉप के बाद हम जाएंगे फिर नरान, नरान में इंशाल्लाह हम रात को स्टे करेंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे नरान से सुबह झील सैफल मुलुक के लिए। उसके बाद सारे लोग डिग्गी बन गई, मैं आप कर लगा डिग्गी बन। चाबी की थी दिमाग नहीं खराब करता, बंद मत कर दे और भी ना ने क्या ना ना ला खराब करता है भाई। ब्रश वगैरा लै दे दस मिनट लगने गड्डी गर्म होनी है। किधर गया था ये रे सुबह का खूबसूरत मंजर, सुबह सुबह टाइम क्या हुआ भाई, टाइम पाँच बज के 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से हम निकलने लगे, हमारा सफर बहुत है आगे। ले जी खंजराब के रास्ते में एक बहुत ही प्यारा बाग आता है, यहाँ पे सेब उग रहे हैं, आलूकाट हैं और कुर्बानी वगैरह उग रही है, मैं हम आपको वो दिखाते हैं, हमने भी पहली दफ़ा देखी है ऐसी चीज़ें, अब आपको वो दिखाने लगे हैं। ये है जी सेब, और ये हो रही है कुर्बानी, वो भी सेबों का दरख्त है, ये भी कुर्बानी है, ये हंजा वादी हंजा में है, ये चीजें सारे दरख्त ही हैं ये वाले। ये देखें जी सेबों का दरख्त, सेब ही सेब उग रहे हैं देखें, पर हम खा तोड़ के खाने से तो उनका यहाँ पे कोई इनका मालिक नहीं ना है, नहीं तो अगर हमने तोड़ के खा लिया तो हमारे लिए हराम हो जाएगा ये। तो नीचे देखें कितना सेब पड़ा है, ये वादी हंजा में देखे ताज़े सेब, वो भी सेब का दरख्त है, यहाँ सारे फ्रूट ही उग रहे हैं, कुर्बानी है, सेब है और आड़ू, और वो सेबों का दरख्त है देखें, ये सेब कच्चे हैं, ये कच्चे सेब हैं, सेबों का दरख्त हरा भरा मीठे सेब है, पर हम तोड़ के खा नहीं रहे ने, उनका यहाँ पे कोई है नहीं ना इनका। बहुत प्यारी वादी है हंजा, तो बहुत प्यारे प्यारे व्यू हैं यहाँ पे, फ्रूट यहाँ कुर्बानी आलू बुखारा है, कुर्बानी आड़ू और सेब के दरख्त है यहाँ पे, बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पे, वो भी है देखे वहाँ पे लगे हुए, वो भी उधर भी लगे हुए। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मीठी कुर्बानी, मीठी येलो, ये हमें किसी ने बाबू खंजराब पास पे खिलाई थी बॉर्डर पे, तो हम इसे देख के आए, देखिए कितनी मीठी मीठी कुर्बानी है ये, ये सेब, ये भी कुर्बानी का दरख्त है, ये भी कुर्बानी का दरख्त है सारा, ये नीचे भी गरी है कुर्बानी है,
नीचे भी कुर्बानियाँ गिरी हुई हैं देखना, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये वादिया हंजा में कुर्बानियों के दरख्त, पर खा नहीं सकते, कोई है नहीं ना, नहीं तो हम उससे मांग के पैसों की खा लेंगे। देखें बहुत मीठी मीठी कुर्बानियाँ, देखें येलो कुदरती मिठास है, अंदर कुदरती मिठास है, कोई हमारे माँ मिलती है ना जोन सी वो मिलती हैं, इन कुर्बानियों में कुदरती मिठास होती है, उनकी कुदरती उग रही होती है, इनको मसाला वगैरह नहीं लगता, हमारे फैसलाबाद में तो मसाला लगा के देते ना पकाने के लिए, ये कुदरती मिठास होती है इनकी, ये देखिए बड़ी प्यारी प्यारी है कुर्बानियों के दरख्त हैं ये कुर्बानियों के, कोई है नहीं तो हम तो पैसों की लेके खा लेते इनसे, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त ये वादी है हंजा में, बहुत दिल खुश हुआ ये देख के, बहुत काफ़ी दरख्त हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। चलो अब हम अपना सफ़र का गाज़ अब दोबारा शुरू करने लगे हैं दोबारा, अब इंशाल्लाह ताला अताबाद झील पे हमारा स्टे होगा। सारे दरख्त हैं देखे, सेब के हैं और कुर्बानियों के, फर्स्ट टाइम हमने देखी है ऐसी चीज़ें। पहुंच चुके हैं जी हंजा, यहाँ हम करेंगे अब नाश्ता, इसके बाद निकलेंगे सकरदू। हंजा बहुत ही खूबसूरत है, हंजा जब शुरू होता है ना खंजराब तक हंजा का इलाका सारा, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत है ये, अभी हम नाश्ता कर लें फिर जहाँ पे कोई अच्छा सा व्यू आएगा ना हंजा, जहाँ से पूरा हंजा नज़र आएगा उसको हम ज़रा वीडियो से शूट करके आपको फिर दिखाएँगे। अब नाश्ते में देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर खाने में हंजा में, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत है यार हंजा, जन्नत की एक वादी अल्लाह ने बनाई है इसे, और नाश्ता कर लें इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है बाद में। ये होटल है जहाँ हम नाश्ता करने लगे हैं, ये मैप है इसकी, वो इसकी तस्वीर लेनी याद कराना है, इधर नक्शे निकले तस्वीरें निकली हुई इधर ना, मैं इस होटल में आया है नाश्ता करने, ये हंजा में वाकई है बहुत ही, रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है, ये कमरे इस तरफ और ये डाइनिंग टेबल है, नाश्ता यहाँ पे हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत होटल है ये, ये है नाश्ता पॉइंट हमारा यहाँ पे। चलो विकास भाई उठ जाओ, चले चले चले, ये नाज़रीन हमारा रूम है, अब हम नाश्ता करने लगे यार, होगी सुबह और मेरे यार। मैं आता हूँ ये भाई, अभी फ्रेश हो गया है, अब मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ, ये बकास यार उठता हूँ मैं जाऊँगा। नाश्ता आ चुका है जी, एक एक अंडा आमलेट है, एक एक पराठा मिलेगा और एक एक चाय मिलेगी सबको, बस माँ तो भरे यार। चल अब नाश्ता वगैरह हो रहा है जी, एक एक पराठा है, एक एक चाय और एक एक आमलेट, इसी से गुजारा करेंगे फिर इंशाल्लाह हम अगला सफर अपना करेंगे, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं सब जने, चल ले अभी ले 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 ले, ये नाश्ता हो जाए फिर इंशाल्लाह तआला निकलेंगे अपने सफर के लिए दोबारा। इतनी दूर हम आए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा था, 2020 रुपए का हमने नाश्ता किया, एक एक आमलेट, एक चाय और एक पराठा, फी लगा 8 जने थे हम, 2020 रुपए बने हमारे, बहुत अच्छा नाश्ता था। अब हम जाके करेंगे, हाँ आप करेंगे रात को डिनर जहाँ पे हम रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, आप जल्दी से कर दें सब्सक्राइब हमारे चैनल को। अब हम अपने सफर का आगाज दोबारा शुरू करने लगे हैं हंजा से।